आज इस्लामपुरा में जलसा हो रहा है। इक्कीस तारीख को असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है। अब वक्त बहुत करीब करीब आ चुका है और शहर की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा पांच साल के लिए कौन सा उम्मीदवार, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार वहां पर जाकर नुमाइंदगी करेगा असेंबली में। अब इस शहर की आवाम को फैसला करना है। इस्लामपुरा में हारून अहमद अंसारी साहब का मकान है और इस्लामपुरा हमेशा हारून अहमद अंसारी साहब के वक्त शहर की क्यादत किया करता था। और 10 साल मुसलसल हारून अहमद अंसारी साहब एमएलए रहे और आज जितने सियासी लीडरान आज सियासत में है हारून अहमद अंसारी साहब की ही क्लास से निकले हुए, उनको बाबाए सियासत कहा जाता है। और मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर सबसे ज्यादा सियासी सूझबूझ
इस्लामपुरा के रहने वालों को है। और इस बात की भी मुझे पूरी उम्मीद है कि 21 तारीख को जब आप वोट देने के लिए अपने घरों से निकलेंगे तो बहुत सियासी सोचबूझ कर और हालात के मद्देनजर इस इस्लामपुरे की आवाम और शहर की आवाम फैसला करेगी, मुझे इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है। माहौल तो बिल्कुल सियासी है, इलेक्शन है तो सियासी माहौल तो होना ही चाहिए, लेकिन सियासी स्टेज से मजहबी बात बहुत बोली जा रही। हमारी मां बहनों को मजहबी बात बताकर वोट लेने की कोशिश की जा रही। हैदराबाद के लीडरान आकर नौजवानों को जज्बात में लाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सियासत में कदम रखा और तीसरा महाज बनाया गया। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इलेक्शन कमिश्नर से तो इंडियन मुस्लिम कांग्रेस का एबी फॉर्म लगाकर उस पार्टी में चले गए। इलेक्शन हो गया, अहमदनगर की पार्टी को वापस भेज दिया, फिर तीसरा महाज बना लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए, विनय कोरी की पार्टी में चले गए, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले गए और अब एमआईएम में चले गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाने के बाद उसको हराम बोला गया, फिर इलेक्शन लड़ लिया गया। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इसलिए इस्तीफा दे दिया गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और उनके लोग असेंबली के पार्लियामेंट के अंदर हाजिर नहीं थे ट्रिपल तलाक के लिए। बिल जब मंजूर हो रहा था ये बहाना बताकर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इस्तीफा दे दिया। हज पर से आए और आने के बाद बहुत जोर शोर से इस्तकबाल किया गया। ताज्जुब इस बात का हो रहा था कि आप नाराजगी बताकर इस्तीफा दे रहे थे या आप बहुत खुश थे। इसके लिए आपके लोगों ने फटाका भी फोड़ा, ढोल भी बजाया और नाचा भी, रंग भी खेला। उसके बाद दूसरे दिन एमआईएम के अंदर आप चले गए
इस तरीके की बात बोलकर आप एनसीपी को आपने छोड़ा। सलाम चाचा रोड के ऊपर भी मैंने कहा उस जलसे से क्या वैसी साहब ने जवाब तो दे दो आप इस शहर की आवाम को इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि 24 तेलंगाना के अंदर आप टीआरएस पार्टी के साथ आपके साथ एमएलए शामिल है और वही टीआरएस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर ट्रिपल तलाक का बिल को पास किया मुसलमानों के खिलाफ वोट दी तो आप उस सरकार से कब हिमायत वापस ले रहे लेकिन अवैसी साहब आए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस शहर के आवाम से जब ट्रिपल तलाक का बिल मंजूर होने की कोशिश की जा रही थी तो मालेगांव शहर के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सभी मजहब की तंजीमों की हिमायत से जब हमारी मां बहनों का जुलूस निकाला गया और उसके बाद असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो क्या मैंने ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर नहीं बोला महाराष्ट्र के अंदर कोई एमएलए किसी भी शख्स ने चाहे मालेगांव के अंदर हमारी मां बहने लाखों की तादाद में सड़कों पर निकलकर बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ में एहतजाज कर रही थी और अहमदाबाद के अंदर लाखों की तादाद में मां बहने निकली नांदेड़ के अंदर भी हमारी मां बहने लाखों की तादाद में सड़कों पर आई और पूरे महाराष्ट्र के अंदर चाहे मुंबई पुणे जहां जहां मुसलमान रहते हैं तादाद में बड़ी तादाद में वहां की मां बहने रास्तों पर निकली तो कोई भी महाराष्ट्र का कोई भी एमएलए ने असेंबली के अंदर आवाज नहीं उठाई सिर्फ आपका नुमाइंदा था जो मैंने महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर कहा कि मरकजी हुकूमत जो ट्रिपल तलाक का कानून बनाने जा रही है इस महाराष्ट्र की मां बहने हमारी और मुसलमान को वो कानून मंजूर नहीं है और सड़कों के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है और महाराष्ट्र की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मरकज तक हमारी बात को पहुंचाए इस तरीके की मजबूत दलील के साथ महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर किसी ने कहा तो सिर्फ आपका नुमाइंदा शेख आसिफ मां प्लिंचिंग के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज किया जा रहा था मालेगांव शहर के अंदर भी एक जुलूस निकला उस वक्त हमने ये नहीं देखा कि कौन सा शख्स जुलूस निकाल रहा कौन सी तंजीम जुलूस निकाल रही उस तंजीम का सदर कौन है बल्कि हमने मालेगांव शहर के सभी कांग्रेस पार्टी के वर्करों से और शहर के आवाम से हमने अपील की कि जुलूस में जाना चाहिए हमने ये नहीं देखा जब मिल्लत की बात आती है जब मिल्ली मसला होता है हम लोग बिल्कुल बराबर इस शहर के अंदर फिरका परस्तों को जवाब देने के लिए एक मंच के ऊपर आ जाते एक रास्ते के ऊपर आते और एहतजाज करने का काम हम लोग करते हैं उस रोज मैं यहां नहीं था कई लोगों ने मुझसे कहा आपको रहना चाहिए मैंने कहा नहीं जो मालेगांव शहर के आवाम ने मुझको जो जिम्मेदारी दी है असेंबली के अंदर नुमाइंदगी करने की असेंबली का इजलास चल रहा है आप लोग यहां पर इंतजार करिए और मैं महाराष्ट्र की असेंबली
और मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और मुसलमानों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाया जा रहा है, जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, इस तरीके की मजबूत दलील के साथ वहां पर नुमाइंदगी करने का काम किया, क्या मैंने आवाज नहीं उठाई? मैं पूछना चाहता हूं इस्लामपुरे के रहने वालों से, इस शहर की आवाम से पूछना चाहता हूं, क्या मैंने आवाज नहीं उठाई? क्या दोस्तों और साथियों, यहां पर इस्लामपुर और मालेगांव शहर के अंदर अक्सरियत में पावर लूम बुनकर इस शहर के अंदर रहते हैं। हमारा साइजिंग मालकान रहते हैं, कारखानेदार रहते हैं, और सबसे सबको साथ लेकर इस शहर को रोजगार देने का काम करते हैं। हमारे बुजुर्ग लीडरान ने इस शहर की सनत की बका के लिए हमेशा लड़ने का काम किया। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन 5 सालों में क्या मैंने पावर लूम सनत के ताल्लुक से आवाज नहीं उठाई? क्या मैं पूछना चाहता हूं जब ड्यूटी ड्रॉबैक पे लगा दी गई, शहर बंद कर दिया गया, तो क्या गली से लेकर दिल्ली तक क्या मैंने नुमाइंदगी नहीं की? क्या मैंने भिवंडी के चतकरंजी के मालेगांव के बुनकरों को जमा करके आजाद मैदान में सबसे बड़ा एहतजाज नहीं करवाया कि दिल्ली के अंदर जाकर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर मीटिंग लगवाकर क्या वहां पर नुमाइंदगी नहीं की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो पावर लूम को बिजली मिल रही है, जो सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रही है, क्या 2014 से पहले आपको मिलती थी? क्या आप लोगों ने नुमाइंदा बनाकर मुझको भेजा? 2014 से ही मालेगांव शहर के बुनकर भाइयों को सब्सिडी 5 साल मिलने का काम मैंने किया हूं आप लोगों का। एनजीटी की जो मामला है, जो साइजिंग के ऊपर आपत्ति आई, एक वक्त ऐसा आया कि पूरे शहर की साइजिंग बंद हो जाने वाली थी। जाकर आप लोग पूछिए, जो लोग मेरे खिलाफ आज तकरीर कर रहे, जो अपने आप को जिम्मेदार बोलते हैं, चाहे वो मेरे मुखालिफ साइजिंग मालकान हो, आप उनसे जाकर पूछना कि शेख आसिफ आपके काम आया या नहीं आया, मैंने नुमाइंदगी की या नहीं की, मैंने हमारे गांव शहर की साइजिंग को बचाने का काम किया है। और इसके लिए अगर साइजिंग बंद होगी, पावर लूम बंद होगा, मजदूर भाइयों का रोजी रोटी कैसे चलेगी? इसके लिए शहर के अंदर पावर लूम की सनत की बका के लिए हमेशा लड़ने का काम इन 5 सालों के अंदर मैंने किया है। क्या मैंने आपकी नुमाइंदगी नहीं की? क्या मैं आपकी वोटों का हकदार नहीं हूं? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मेरे बुनकर भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, मेरे मजदूर भाइयों से पूछना चाहता हूं कि मैं आपकी वोटों का हकदार हूं या नहीं? आज इस जलसे को हमारी तलबा और तालबा घरों में बैठ के, मेरी तलबा हमारी सभी सुन रही है मेरी बातों को, जो आज तालीम ले रही है, मैं पूछना चाहता हूं हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैंने आपकी तालीम के लिए इस शहर में
नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं जमातों की किताबें आपके लिए नहीं दी क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि मैं आपकी ओटो का हकदार नहीं हूं क्या? क्या मैंने उर्दू घर आप लोगों के लिए नहीं बनाया जहां पर यूपीएससी एमपीएससी की नीट की आला कोर्सेज का वहां पर क्लासेस चलने वाली है? क्या मैं आपकी ओटो का हकदार नहीं हूं क्या? क्या मैंने आप लोगों के लिए इन पांच सालों में करियर गाइडेंस के प्रोग्राम नहीं रखवाए? क्या मैं आपकी ऑटो का हकदार नहीं हूं क्या? क्या मैंने फ्लाई ओवर ट्रस्ट बकरीदी हाजी मस्जिद के सामने पूरा कैंपस तैयार किया, नीट की क्लासेस इंजीनियरिंग की क्लासेस वहां पर चल रही है? क्या मैं आपकी ऑटो का हकदार नहीं हूं क्या? मैं पूछना चाहता हूं मेरे मजदूर भाइयों से, मेरे गरीब भाइयों से, क्या आपके बच्चे प्राइमरी स्कूल के अंदर तालीम ले रहे हैं? क्या मैं वहां पर आपके बच्चों के लिए कंप्यूटर नहीं दिए क्या, ताकि हमारे बच्चे भी तालीम के मैदान में आगे जा सके? इस शहर को जो जो देने की जरूरत आई, आईटीआई कॉलेज माननीय नेगी की कैबिनेट से मंजूर करवाने का काम किया, ताकि हमारे शहर के बच्चे 450 बच्चे हर साल एडमिशन लेकर अपने पैरों पर खड़ा रहने की कोशिश करेंगे। क्या मैं आप लोगों का हकदार नहीं हूं क्या? मैं पूछना चाहता हूं आज आप लोगों से, आज आप लोग देखिए कि मैनिफेस्टो हमने डिक्लेयर किया हमारी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो तालीम हासिल करना चाहती है। मैंने आज आप लोगों से वादा किया मैनिफेस्टो में, आज इस इस्लामपुरे से मैं वादा करता हूं कि आप मुझको दोबारा चुन कर दीजिए, मैं हमारी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए मालेगांव शहर के अंदर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। हमारी बच्चियों को मैं नदी के उस पार भी जाने नहीं दूंगा, मैं ये वादा करता हूं आज आप लोगों से। इसी जगह के ऊपर स्टेज लगा और तकरीर की गई, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब शायद आपकी याददाश्त कमजोर है, आपने कहा कि इस्लामपुरे को झुकता माप दिया हूं, आपने झुकता माप नहीं झुकता माप दिया, इस्लामपुरे की आवाम सुन ले मेरी बात, या जलसा खत्म होने के बाद जमील से जर वाले साहब को जाकर पूछ लेना कि 14 नंबर की स्कूल में उस वक्त तो मेयर का चुनाव डिक्लेयर हुआ था, शेख रसीद साहब ने जलसे के अंदर ऐलान किया था कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जमील से जर वाले को आप मेयर का उम्मीदवार डिक्लेयर करो, बिना शर्त कांग्रेस पार्टी हिमायत करेगी। क्यों आपने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया? क्यों जमील सेठ ईमानदार है, आपके ऊपर वजन नहीं रख सकते थे और आपने उम्मीदवार दूसरे शख्स को बनाकर 12 करोड़ के अंदर उनको खसारे में डालने का काम किया? जमील सेठ जर वाले 12 करोड़ नहीं लगा सकते थे। अगर आप इस इस्लामपुरे की आवाम को झुकता माप देने की बात करते तो कांग्रेस पार्टी बिना शर्त हिमायत देने का ऐलान कर चुकी थी, किसी की जरूरत नहीं होती। आप अगर जमील सेठ को उम्मीदवार बना लेते तो एक मेयर इस इस्लामपुरे का भी होता था, लेकिन आपने वो नहीं किया। टिकट देने के टाइम आप रेस लगवाते, रेस के चार उम्मीदवार है, एक पैनल चार का जो बंदे 12 है 20 हो गए, उनमें रेस लगवाकर उसके बाद खामोशी से पूछा जाता
कि माल कौन देगा पार्टी फंड, और मनमाल रोड के ऊपर जाकर आप डीलिंग करते उसके बाद टिकट देते हो। क्या यहां पर आपके चाहने वाले नहीं थे कि तुम किसी को टिकट और देते? जमालुद्दीन जल्ले साहब का टिकट काटा गया, हराया गया, उनको हराया गया। यहां के कई निषाद रोड के रहने वाले नौजवानों ने भी टिकट मांगा, लेकिन आपने उनको भी टिकट नहीं दिया। इसका जवाब आपको इस्लामपुर की आवाम को देना पड़ेगा। मैं आप लोगों से यह बोलना चाहता हूं, बुनकर भाइयों से, मजदूर भाइयों से, कि आप लोग दोबारा मुझको चुन कर दे। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हमारी पावर लूम सड़क की बका के लिए, हमारे मजदूर भाइयों की बका के लिए, चाहे आप जो मुझसे कुर्बानी मांगना, ये शेख आसिफ देने के लिए तैयार रहेगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग 21 तारीख को एक नंबर बटन दबाकर पंजा निशान पर रख देकर मुझको कामयाब करें, और जुमरात के रोज आयशा नगर में जलसा होगा, और जुमा के दिन फतेह मैदान में आखिरी